काका बाबा बधाने राम राम। हूँ तमारी बस में आवी गयो मुकेश परमार खबर लेने। तो मने बताड्यू के भगोरिया में आ तुम्हें मोद नो कूवो भाड़ो है सांभ्यू भी है तो तमने हूँ बताड़ो हमने भी मोद ना कूवा में से केतरी रिक्स इन पाटिया पर साले ये जहाँ पाटिया से इन पर केतरी रिक्स केतरु रिक्स लीन चलाड़े मोटरसाइकिल तीन हानि हारू चलाड़े अने एक तो एक हा रोजी रोटी हारू करव पड़े खुद धंधो कहीं भी करव पड़े। क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख आपने कैसे चलाया है क्योंकि ये एक बहुत टॉपी निकालूं एक ये बहुत अलग तरह का है खेल। हाँ कैसे सीखे आपको क्या अनुभव? बस सर हमें आदत है पहले से चलाते हैं बहुत काफ़ी समय से घर का ही है सब बस अपने पेट पालने के लिए चलाते हैं मेहनत करते हैं और क्या। हाँ आपको कैसे ट्यूनिंग मिली इसमें? नाजिम नाम है जी। बहुत टाइम हो गया सीखे 5-6 साल हो गए तो आदत भी पड़ गई गाड़ी ऊपर चलाते हैं ऐसा लगता है रोड पे चला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता खुले हाथ से आप खुले हाथों से आप चलाते हो? नहीं मतलब प्रैक्टिस हो जाती कुछ भी डर नहीं लगता थोड़ा बहुत डर ऐसे नहीं लगता कि बहुत दिनों की ट्रेनिंग है और थोड़ा डर पेट खा जाता है। आम व्यक्ति कोई चलाना चाहे नहीं चला सकता टाइम लगता है सीखने में। हम कितना समय लगा इसमें सीखने के लिए? कम से कम 2 साल लग गए कम्प्लीट होने में। कोई मार्गदर्शन तो दिया होगा? पहले नीचे नीचे चलाते थे छोटे पट्टी जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे उसके बाद में थोड़ी ऊपर फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर स्पीड बैलेंस रहता है स्पीड रहती। तो ये तुम देखियो कि दो जब्बे आदमी से जो काम धंधा और रोजगार हारू पेट हारू कितनी बड़ी मोटी रिक्स के लिए खूब पेट हारू काम कर लिया ताकि एवं मेला भगोरिया में कहीं भी थाय एवं रीति मौत न कूबो इनकी। अगर आदमी बैलेंस सूखियो तो आदमी सीधो नीचे हो जाए सके ये बात से फिर हूँ तुम्हारी बस में हेवी रीति खबर नहीं आपकी। क्या खबर बोली राम राम।